उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर होंगी रितु खंडूरी। जी हां, पांचवी विधानसभा के उत्तराखंड में अध्यक्ष होंगी और निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष उन्हें घोषित किया गया है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने यह घोषणा की है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, पांचवी विधानसभा की उत्तराखंड में अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी। साथ ही आपको जानकारी दे दें कि निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष उन्हें घोषित किया गया है। प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने यह घोषणा की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर होंगी रितु खंडूरी। एक बार फिर से जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। सीएम कौन होगा ये सामने आ चुका है, कैबिनेट में कौन कौन शामिल है ये सामने आ चुका है, और वहीं दूसरी तरफ पहली महिला स्पीकर बनी है रितु खंडूरी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, तो सीधा उनके पास चलते हैं। देखिए, राव शफात अली, बीजेपी की ओर से लगातार नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है और इस फैसले में भी यही दिखाई दे रहा है। हाँ दीपशिका, देखिए उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है और ऐसा पहली बार हुआ है। ये पांचवी विधानसभा है जब गठन हुआ है, लेकिन पहली जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, इस पीठ की जो अध्यक्ष हैं, वो महिला नेतृत्व को सौंपी गई, यानी मात्र शक्ति का ये जो है सम्मान है। हालांकि देखिए, पहले से ही ये अंदाजा था कि इस बार कोई ना कोई करियर ऐसा भाजपा करेगी, या तो वो मुख्यमंत्री किसी महिला को बना सकती है या फिर विधानसभा अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन क्योंकि पुष्कर सिंह धामी की घोषणा हो चुकी थी, मुख्यमंत्री पद उन्हीं को दिया गया है। अब एक पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विधानसभा अध्यक्ष का। इससे पहले जो चौथी विधानसभा थी उसमें प्रेमचंद्र अग्रवाल ये पद संभाल रहे थे, लेकिन इस बार उम्मीद थी कि कुछ नया होगा, तो वो हुआ भी। उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि एक महिला को इस पीठ की अध्यक्ष बनाया गया है। श्रुति खंडूरी के इतिहास पर अगर नजर डालें दीपशिका, तो दो बार की वो विधायक रही हैं, अभी हालिया कोटद्वार से जीत करके आई हैं, और कोटद्वार एक ऐसी सीट थी जहां पर बहुत कड़ा मुकाबला था, क्योंकि पूर्व के कैबिनेट मंत्री कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र नेगी वहां खड़े थे। श्रुति खंडूरी एक नया चेहरा थी उनके लिए, लेकिन क्योंकि श्रुति खंडूरी बीसी खंडूरी की बेटी हैं और एक वक्त था जब बीसी खंडूरी उसी सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन रितु खंडूरी ने यहां से चुनाव जीता। उससे पहले वो दूसरी जगह से विधायक थी, तो दो बार जीत करके ये विधायक बनी है। तो अब उनको एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, और यही नहीं, विपक्ष भी मान रहा है कि रितु खंडूरी का नाम जो रखा गया है अध्यक्ष पद के लिए, वो बहुत बेहतर विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है, क्योंकि उनको राजनीति विरासत में मिली है, उनको संवैधानिक ज्ञान है। यशपाल आर्य ने भी इस बात को माना है कि बहुत अच्छा निर्णय भाजपा की ओर से किया गया है। और सबसे खास बात यह रही कि वो निर्विरोध चुनी गई हैं दीपशिका, उनके खिलाफ किसी ने पर्चा नहीं दाखिल किया, क्योंकि विपक्ष के माना जा रहा था कि विपक्ष भी किसी का नाम आगे कर सकता है, लेकिन क्योंकि नंबर नहीं है विपक्ष के पास, 19 विधायक हैं, वोटिंग करने से कोई फायदा नहीं था या किसी नाम को आगे करने से कोई फायदा नहीं था, तो निर्विरोध चुनी गई है। और उन्होंने जब अपना पर्चा दाखिल किया था, नामांकन किया था, तो ये उम्मीद थी कि कांग्रेस कर सकती है इस प्रक्रिया को, नामांकन को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो बहरहाल आज संवैधानिक तौर पर उनको घोषित कर दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत, उन्होंने ये घोषणा की है, और अब उम्मीद मानी जा रही है कि बहुत बेहतर काम, अब क्योंकि 29 मार्च से विधानसभा का सत्र शुरू होगा और पहली जो काबिलियत है वो उसी में उनकी नजर आ जाएगी। जी बिल्कुल, और अक्सर देखिए राव शफात अली, अक्सर राजनीतिक दल इस तरीके के कह सकते हैं इन्हें कि एक्सपेरिमेंटल टर्न जरूर करते हैं, और ऐसे जो एक्सपेरिमेंटल फैसले होते हैं वो कहीं ना कहीं आम जनता पर, राजनीतिक दल के लिए भी, आने वाले समय के लिए एक अच्छा संदेश के साथ एक अच्छा प्रभाव भी छोड़ते हैं। हाँ दीपशिका, देखिए सबसे खास बात तो ये रही कि इस बार भाजपा ने 7 महिलाओं को टिकट दिया था, और बड़ी बात यह रही कि 6 महिलाएं जीत करके विधानसभा में पहुंची हैं, एक महिला प्रत्याशी की हार जरूर हुई है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 6 महिला प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से जीती हैं और 2 महिला प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से भी जीती हैं। लेकिन अब ये मांग उठ रही थी कि महिला प्रतिशत जो है बहुत अच्छा है उत्तराखंड के अंदर, और महिला के जो वोट की अगर बात करें उस प्रतिशत की, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी ऐसा नेतृत्व महिला को नहीं दिया जाता उत्तराखंड के अंदर, ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, ना विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, ना मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता रहा है तमाम पार्टियों के ऊपर, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि यहां इनकी सत्ता रही है राष्ट्रीय पार्टियों की। लेकिन ये बहुत बड़ा फैसला है भाजपा का, और इस फैसले को लेते हुए जैसा कि पहले भी ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार कुछ ना कुछ तो नया होगा, और ऐसा हुआ भी है। रितु खंडूरी के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, रितु खंडूरी वेल एजुकेटेड है,
एक राजनीतिक घराने से आती हैं, उनके पिता यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत कद्दावर मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत साफ और स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री रहे हैं। रितु खंडूड़ी जिस तरीके से मेहनत करती नजर आ रही थी पिछले 10 साल से, तो लग रहा था कि रितु खंडूड़ी आने वाले वक्त में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, और हुआ बिल्कुल वैसा ही। आज ये ऐतिहासिक दिन है, उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के लिए भी, उत्तराखंड के लिए भी और रितु खंडूड़ी के लिए भी, कि उनको विधानसभा का अध्यक्ष घोषित किया गया है। जी बिल्कुल राव शफात अली, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक बार दर्शकों को बताते हैं कि आखिर रितु खंडूड़ी कौन है और क्या कुछ उन्होंने अभी तक हासिल किया है। देखिए मंत्रियों, जिस तरीके से अगर बात करें रितु खंडूड़ी की, तो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी की बेटी है, हरिद्वार से बीजेपी विधायक हैं रितु खंडूड़ी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि रितु खंडूड़ी कांग्रेस के दिग्गज नेता सुरेंद्र नेगी को उन्होंने हराया है, पहले मुख्यमंत्री और फिर मंत्री पद के लिए उनका नाम आगे चल रहा था। और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ आज वो लेंगे।